हे एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आपकी काफ़ी सारी क्वेरीज थी कि सर टाइम मैनेजमेंट कैसे किया जाए, तो मैंने सोचा उसी पे एक शॉर्ट वीडियो बना दी जाए। बट यस, डिटेल्ड वीडियो ज़रूर आएगी इस चैनल पर, एंड मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वीडियो आप तक पहुंच सके, राइट। सो टाइम मैनेजमेंट के लिए सबसे पहला इम्पोर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए कि टाइम आपका जा कहाँ रहा है, यानी कि आपको ट्रैकिंग करनी पड़ेगी आपकी टाइमिंग की। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने थोड़ी देर यूट्यूब खोला पर आपका पता नहीं चला कि एक दो घंटे, दो चार घंटे कब चले गए। टाइम मैनेजमेंट आप जब तक नहीं कर पाएंगे जब तक आप उसको अपना रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे कि आपका टाइम जा कहाँ रहा है। तो इसलिए सबसे फर्स्ट स्टेप आता है कि आप एक डायरी मेंटेन रख के चलिए कि आपका फुल शेड्यूल जो होना चाहिए पूरे दिन का, वो आपका रिटर्न में होना चाहिए। ये नहीं कि यार मुझे पता है मेरा टाइम कहाँ जा रहा है, नहीं जा रहा, मुझे नहीं ज़रूरत डायरी बनाने की। एक हफ्ता ट्राई कीजिए, आपको खुद इसका बेनिफिट नज़र आएंगे। और एक डायरी पे लिखना कब है आपको, डायरी की शुरुआत होगी आपकी लास्ट नाइट से, यानी कि कल आपको क्या करना है, आपको आज रात को लिखना होगा कि हाँ आपको इतने बजे उठना है, इतने बजे आपका, इतने घंटे आपको ये सब्जेक्ट पढ़ना है, इतने घंटे यूट्यूब देखना है, इतने घंटे मुझे एक्सरसाइज करनी है। सब कुछ सेट होना चाहिए, आपका शेड्यूल सेट होना चाहिए, जब ये आपका टाइम मैनेजमेंट हो पाएगा। क्योंकि सिर्फ माइंड में रखेंगे आप कि हाँ मुझे पता है कि मुझे कब क्या करना है, तो आप ना ट्रैक नहीं कर पाओगे। एंड सेकेंड स्टेप कि आप अपने फ़ोन में अगर आपका शेड्यूल एक हर घंटे का है तो आप हर घंटे का अलार्म सेट कर लीजिए फ़ोन में अपने। जब भी आपका अलार्म बजेगा ना फ़ोन में, तो आप माइंड अलर्ट हो जाएगा, यार एक घंटा गया मेरा, मैंने इस घंटे में क्या करा, क्या किया मैंने इस घंटे में। तो वहाँ से आप अपना टाइम को ना ट्रैक करना स्टार्ट कर दोगे। और जब आप एक बार ट्रैक करना स्टार्ट कर दोगे, आपका माइंड क्लिक करेगा, यार यस मेरा एक घंटा गया, मुझे इस घंटे में वो काम करना था पर मैंने एक घंटा मैंने यूट्यूब पर वीडियो देखने में लगा दिए। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट है डायरी बनाइए और शेड्यूल के साथ अपने जो भी आपको काम करना है वो शेड्यूल कीजिए और उसको देन फॉलो कीजिए। आई नो स्टार्टिंग में काफ़ी डिफ़िकल्टीज होंगी, बट ट्रस्ट मी, ये हैबिट है और धीरे धीरे ही हैबिट चेंज होगी। एंड यस, अगर आपका एक स्लॉट मिस हो गया है तो आप गिव अप मत कर देना कि यार मेरा तो एक, मैंने इस टाइम पे ये सोचा था पर मैंने कुछ ये निकल गया मेरे हाथ से, तो कल से फॉलो करूँगा शेड्यूल। नहीं, जितना चला गया निकल गया टाइम कोई बात नहीं, पर जितना बचा है उसको फॉलो करने की कोशिश कीजिएगा, राइट। गिव अप नहीं करना है, अगर आपने ठाना है तो जब तक अचीव नहीं करोगे जब तक इसको गिव अप नहीं करोगे। तो दिस इज़ अ शॉर्ट वीडियो, बट यस डिटेल्ड वीडियो आएगी इन फ्यूचर। तो जब तक के लिए ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, एंड प्लीज़ मेक श्योर सब्सक्राइब माई चैनल टू गेट द लेटेस्ट वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।